हस्त निर्मित हर सामग्री काफी ही आकर्षक, मजबूत और आत्मीय भावना से जुड़ी रहती है। भाई बहनों का पवित्र पर्व रक्षाबंधन को लेकर संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के छात्राओं द्वारा राखी बनाओ कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 300 से अधिक हस्त निर्मित राखियों का निर्माण किया गया, जो देश के सीमाओं पर तैनात वीर सैनिक भाइयों को भेजेगी। इस तरह के क्रियाकलापों के बारे में विद्यालय के निदेशक ने जानकारी दी। ये हमारी परंपरा रही है, जब से हमारा विद्यालय रहा है हर एक वर्ष राखी के अवसर पर हम लोग वर्कशॉप लगाते हैं और जो बच्चियां और कला शिक्षक शिक्षिकाएं भी अपने मन से कुछ ना कुछ अपना योगदान देती हैं, मैं भी बना लेती हूं बच्चियों के साथ बैठ करके, और इन सारी राखियों को कलेक्ट करके हम लोग अपने सैनिक भाइयों के लिए भेजते हैं जो सीमा पे तैनात हैं, वहाँ भेजते हैं। कभी कभी समय कम रह जाता है तो दानापुर कैंट में एनसीसी ऑफिस में हम लोग भेज देते हैं। राखी मेकिंग वर्कशॉप हमारे यहाँ पिछले कई वर्षों से लगातार होते आ रहा है। रक्षाबंधन से 10 दिन पूर्व हम लोग अपने विद्यालय में अपने कला शिक्षक के माध्यम से राखी मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन करते हैं, और इस वर्कशॉप से जो भी राखी तैयार होती है उसको सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए हम लोग भेजा करते हैं। पिछले 2 साल जो कोरोना का पीरियड था उस समय भी हम लोगों ने हमारे शिक्षिकाओं ने और कुछ सीनियर छात्राओं ने मिलकर राखियां बनाई थी। जल्दी प्लीज।